हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटीज। सो यहाँ पर हम जो है इस वीडियो के अंदर आपके सामने बात करने वाले हैं कि यहाँ पर करंटली मार्केट में नेचुरल गैस जो दिसंबर फ्यूचर्स है वो यहाँ पर करंटली किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पर हमें नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो है हम यहाँ पर वीडियो में बात करने वाले हैं। सो यहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू ट्रेडिंग इन नेचुरल गैस, तो यहाँ पर आप वो भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कैलेंडर बेसिस की तरफ से देखते हैं तो यहाँ पर हम 13 से जो है एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे कैंडल्स का, जो कि बिगिन होती है यहाँ पर। सो यहाँ पर 13 दिसंबर को आपको जो इंट्राडे टारगेट्स होते हैं, जिस तरह से यहाँ पर हमने बोला था कि 305-306 तक के टारगेट्स अचीव होंगे, सो नियरली जो है इसने अच्छी खासी जो तेजी जरूर बनाई और जो टारगेट्स थे वो भी अचीव देखने को मिले हैं। बट सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान रखनी चाहिए, और अगर हम यही टाइम फ्रेम के अंदर देखें, बिकॉज यहाँ पर जो ट्रेंड होगा यही टाइम फ्रेम के अंदर अभी यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर वेट अ मिनट। हाँ, सो अभी के लिए जो है यहाँ पर हमें इसी प्राइस बैंड के अंदर, डेट इज अपसाइड के अंदर 306 या फिर 307 समझ सकते हो, डाउनसाइड के अंदर 274 का जो प्राइस लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर जो हमने इंट्राडे का जो वीडियो बनाया था उसके अंदर भी करंटली उस टाइम यहाँ पर ट्रेड कर रहा था नियरली, और उसके बाद आप देख सकते हो कि रिकवरी जो है यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी जो है देखने को मिली है। बट इस रिकवरी के आने के बाद भी यहाँ पर हमें नेक्स्ट वीक के अंदर क्या मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर आपको जो फॉलोअप होते हुए देखने को मिल रही है, और वो ये है कि ये जो पैटर्न है इट इज़ अपसाइड का। अगर हम यहाँ पर देखते हैं वन टाइम, टू टाइम, और यहाँ पर आई गेस की तीसरी टाइम भी जो है यहाँ पर आपको फॉलोअप होते हुए देखने को मिलेगा। सो ये पैटर्न नहीं है एक तरह का, बट अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग का जो माइंड की जो साइकोलॉजी देखते हैं तो उसके कारण जो है काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर हम समझ सकते हैं। बिकॉज जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, बिकॉज यहाँ पर हमने ट्रेड लिया था, तो यहाँ पर अभी के लिए हम इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने हटा दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि जिस तरह से यहाँ पर हमें जो है नेचुरल गैस के अंदर गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद जो है एक अच्छी खासी जो तेज़ी देखने को मिली है, यहाँ से जो है डिमांड जोन क्रिएट हुआ था यहाँ पर अगर हम इसको मार्क करें तो, और ये डिमांड जोन जैसे ही टूटा एक अच्छा सा जो है अपसाइड मोमेंटम यहाँ पर हमें ब्रेक होते हुए देखने को मिला है। सो इस तरह की सिचुएशन में यहाँ पर आपको क्या करना है कि नेक्स्ट वीक के अंदर तो यहाँ पर हमारा एनालिसिस लेकर रेडी इज़ 1 आवरली की टाइम फ्रेम के हिसाब से, और सबसे अच्छे और इंपॉर्टेंट लेवल होंगे कि तेजी के लिए यहाँ पर अगर आपको सौदा बनाना हो तो नॉट बिफोर द प्राइस लेवल ऑफ 291 के ऊपर जो है हम यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। और उसके साथ साथ में यहाँ पर इफ़ यू वांट टू मेक अ शॉर्ट पोजीशन तो सबसे अच्छा जो लेवल है वो है 274.5 का। सो अबाउ 291 यू कैन गो लॉन्ग, एंड बिलो द प्राइस ऑफ 274 यू कैन डू शॉर्ट इन नेचुरल गैस डिसंबर फ्यूचर्स। सो ये आपको पता चल गया होगा, और आई गेस कि नेक्स्ट वीक के अंदर भी नियरली जो है नेचुरल गैस 310 से लेकर डाउनसाइड के अंदर 274 के प्राइस बैंड के अंदर यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल सकता है। अगर फर्दर कोई भी ब्रेकडाउन या फिर ब्रेकआउट होता है तो एज अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट दैट प्राइस लेवल इफ यहाँ पर सस्टेन करके क्लोज होता है तो अच्छी खासी जो है रिकवरी अपसाइड के अंदर ब्रेकआउट देता है तो तेजी देखते हुए मिलेगी। अगर डाउनसाइड के अंदर जो है अगर मंदी देखते हुए मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा और गिरावट यहाँ पर हमें नेचुरल गैस के डिसंबर फ्यूचर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एज वेल एज ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से इंट्राडे बेसिस एज वेल एज वीकली ओवरव्यू एनालिसिस के हिसाब से आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।